ये और बात है कि माननीय संजय सिंह जी को शांति काल में अशांति पैदा करने की महारत हासिल है, और आम आदमी पार्टी ने जितना रोहिंग्या के प्रति आंसू बहाया था, यदि उसका हजारवां हिस्सा कश्मीरी पंडितों के प्रति बहाया होता तो मैं उनको धन्यवाद करता। जो रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने के लिए माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं आप राकेश जी बैठिए प्लीज। बात कहां से आ गई थी, ऐसा नहीं चलता है ना। थैंक यू राकेश जी केवल जो राकेश जी बोले मेरे पास में जाकर मैं इस राष्ट्र को इस सदन के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं। जब भारत के ज्ञान परंपरा पर पिछले शुक्रवार को मैं बहस के लिए आया था, और मैं सोचा था कि आज राजनीतिक शब्द और राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, राजनीति में होते हुए भी गैर राजनीतिक तरीके से बहस करूंगा, तब क्या हुआ था, कश्मीर फाइल्स पर संजय सिंह जी डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे। हमें भी राजनीति करनी आती है, यदि आप राजनीति करेंगे तो आम आदमी पार्टी को मैं ऐसा डिकोडिंग करूंगा कि आप सदन छोड़कर चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने देश में राजक राजनीति की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ने देश में राजक राजनीति की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल विल बी नोन इन द हिस्ट्री फॉर मास्टर ऑफ एनार्की। और आप जिस तरह से पंजाब की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, बैठिए प्लीज। संजय सिंह जी प्लीज बैठिए। विषय पर आने से पहले घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, एक सांसद होने के नाते घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। सभी को ध्यान रखना चाहिए, कुछ महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों के साथ, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा, राजीव रे सीपीएम के थे, और हमारी संस्था जो डूटा पर जीती है चुनाव एके बागी, मैं भी उसमें शामिल था, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शामिल थे। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर मैं जवाब दूंगा। जो देखिए आप नेम नहीं कर सकते, जो सदस्य संजय सिंह जी आप नाम नहीं ले सकते, कब आप कहा थे जब संजय सिंह जी पर हमला कर रहे थे, सदन में जो बात उठेगी उसका जवाब मिलेगा। आप राजनीति करें, मैं धर्म ज्ञान का प्रवचन करूं, आप पॉलिटिक्स करेंगे और मुझे कहते हैं आप घर पॉलिटिक्स। राकेश जी आप विषय को सदन को मैं अपनी सभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षक नेता मैं एक सांसद हूँ। यू कंटिन्यू प्लीज। मैं राष्ट्रपति जी के द्वारा एक नॉमिनेटेड सांसद हूँ। मैं शिक्षा के विषय को लेकर एक मुख्यमंत्री के दरवाजे पर 1.5 घंटे तक सड़कों पे धूप पे खड़ा रखा गया, पानी नहीं दी गई, अंदर फैसले की बात नहीं कही गई। ये अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति देश में राजनीति की राजनीति है। आप जो सदस्य नहीं है उसका उनका नाम नहीं ले सकते आप, प्लीज आप बार बार नाम नहीं। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ, जो सर प्लीज आप प्लीज ये व्यवस्था मैं दूंगा। संजय सिंह जी मैं तो सिर्फ मैं अपने विषय पर आता हूँ। राकेश जी प्लीज आप बैठिए। संजय सिंह जी आप बैठिए प्लीज। मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने अनेक पक्ष पर विमर्श किया है। मेरा एक मूल उद्देश्य यह भी था कि यह जो गैर राजनीतिक एक राष्ट्रीय प्रश्न है, इस पर सदन पे गंभीरता से विचार हो। दो तीन पक्ष है जिसको मैं रखना चाहता हूं। माननीय भूपेंद्र जी ने ठीक कहा कि अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो, और माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से तथ्यात्मक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से
सामाजिक क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक और आधारभूत तरीके से परिवर्तन लाया है, जिसके कारण देश के जिन वृद्धों की चिंता माननीय जयराम रमेश जी कर रहे थे, मैं बता देता हूं कि भारत में 70 की आयु के वृद्ध जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या भारत में है, 82% लोग हैं जिनकी आयु 70 साल की है और आर्थिक रूप से सक्रिय है। एज एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के कारण, बीमारियों पर नियंत्रण होने के कारण, इन्फेंट मोर्टलिटी को रोकने के कारण जो समाज में एक सकारात्मक स्थिति बनी है और भारतीय समाज में वृद्धों की चिंता करने के लिए परंपरागत परिवार का पद्धति सक्षम है, जहां जहां परिवार की पद्धति समाप्त हुई है, जिसको हम पुनर्जागृत करना चाहते हैं कुटुंब प्रबोधन के नाम पर, वहीं वहीं ये समस्या आई है और भारतीय समाज इसके लिए जागरूक है कि हमारी स्थिति वह नहीं हो कि अमेरिका के वृद्ध को गोवा में रखकर उनकी सेवा करवाई जाए और हमारे मजदूर अरब कंट्री में जाकर वहां से पैसा लाने के लिए मजदूरी करने जाए। हम दोनों ही स्थिति को लाना नहीं चाहते हैं। एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज अपने समाज को स्वयं के आधार पर, स्वयं के संसाधनों के आधार पर, स्वयं के श्रम के आधार पर, स्वयं की दृष्टि के आधार पर अपने को समृद्ध करता है। उसी समृद्धि की ओर मैं बढ़ाने के लिए मैं इस बिल में एक बहस चाहता था। तीन बिंदुओं पर मैं देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के द्वारा। पहली बात, डेमोग्राफिक डिस्कोर्स में काफी परिवर्तन आया है। जो मैंने पिछली बार कहा था कि भारत के जनगणना आयोग ने जो जनगणना के आधार पर नए स्टैटिस्टिक्स, नए आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किए हैं, उसमें TFR टोटल फर्टिलिटी रेट और मैरिटल टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट TMFR के बीच में एक बुनियादी अंतर किया है। मैंने पिछली बार अपने बहस में कही थी, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। TMFR इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि दुनिया के सभी देशों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट की जो व्यवस्था की गई थी, उसका कारण था एक महिला अपने प्रजनन आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, ये TFR का परिभाषा। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, जिन लोगों ने अध्ययन किया है उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हम सबको, में बहुतों को इस बात का आश्चर्य होगा, कोलंबिया में 84% बच्चे परिवार व्यवस्था से बाहर जन्म लेते हैं, यानी विवाह से पूर्व मां जन्म लेती है। अमेरिका में यह संख्या 40% है। OECD के 11 देशों में, चिली में, डेनमार्क में, इस्टोनिया में, फ्रांस में, नॉर्वे, नीदरलैंड में, स्लोवेनिया में, स्वीडन में यह संख्या 41% है। इंग्लैंड का मैं एक आग्रह देना चाहता हूं, विवाहित मां से 2020 में 3,29,000 और अविवाहित मां से 2,77,000 बच्चे पैदा हुए थे। यहां तक कि पुर्तगाल में 50% बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा होते हैं। इससे TFR का जो कंसेप्ट है, वह अवधारणा उनकी अपनी परंपरा के अनुसार है। मैं उस परंपरा का कोई नकारात्मक पक्ष नहीं देखता, उनकी जो भी परंपरा उसके आधार पर TFR बनाया। हमारे यहां जो बच्चों का जन्म होता है साधारणतया विवाह के बाद होता है, इसलिए जनगणना आयोग ने टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, एक विवाहित महिला अपने प्रजनन आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जनसंख्या 2.1 पर आने के बाद भी जो जनसंख्या का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए मैग्नीट्यूड का यही कारण है कि हमने TMFR की ओर ध्यान नहीं दिया है। आज हमें TMFR की ओर ध्यान देना पड़ेगा। TFR के कंसेप्ट से, TMFR का कंसेप्ट कैसे है, कैसे जनसंख्या पर आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, मैं सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं। केरल के साथियों ने कहा, मैंने अपने बिल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने अपने भाषण में उस धर्म का नाम लिया था।
लेकिन एक समाज में विमर्श करते समय हमें किसी बात को तथ्यात्मक रूप से बोलने से डरना भी नहीं चाहिए। यदि मैंने हिंदू शब्द बोल दिया, मुस्लिम बोल दिया, क्रिश्चियन बोल दिया, पारसी बोल दिया, तो कोई असंवैधानिक नहीं हो जाता। हम जब वो डाटा इकट्ठा करते हैं, मनोज झा जी बार बार जातिगत जनगणना के लिए के लिए शोर मचाते रहते हैं, तो धार्मिक जनगणना जब धार्मिक जनगणना होती है, धार्मिक जनगणना जब होती है तो धार्मिक जनगणना होने पर मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। केरल के मित्र हमारे नहीं है, चले गए बहस करके। 1901 से लेकर 2011 तक 11 डिकेट्स में हिंदुओं की जनसंख्या 13.8% घटी है, वहां पर एक मुस्लिम की जनसंख्या 9.8% बढ़ी है। ये तथ्यात्मक बातें हैं। बढ़ी अच्छा, बढ़ना अच्छा है या खराब है, मैं इस पर नहीं जाता हूं, लेकिन उस तथ्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 2001 से 11 के बीच में वेस्ट बंगाल में 13 डिकेडल ग्रोथ रेट जो जनसंख्या का है वो 13.5% है, और मुस्लिम जनसंख्या का डिकेडल ग्रोथ रेट बंगाल में 21% है, हिंदुओं का डिकेडल ग्रोथ 10% है, डिफरेंस 11% का है। मैं ट्रेंड की बात, मैं आप ट्रेंड में, मनोज जी प्लीज, केरल में प्लीज, नहीं नहीं प्लीज, आप उस तथ्य को सुनिए, प्लीज तथ्य को सुनिए। केरल में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, मुस्लिम का 29% है, हिंदुओं का 10%, द गैप इज 19%। तो मैं सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं, आपके लिए स्वागत योग्य है या नहीं है मैं इस पर नहीं जाता हूं, ना मैं स्वागत करता हूं ना विरोध करता हूं, तथ्य को आपके सामने रखता हूं। आंख बंद करने से तथ्य बदलता नहीं है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो 133 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 52 जिले हैं, बिहार में 24, झारखंड में 9, मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में 1, नॉर्थ ईस्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू कश्मीर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां टोटल TFR जो अगर पुराने कंसेप्ट TFR को लें तो 3.5 है, 72 डिस्ट्रिक्ट में TFR 4 से अधिक है। तो मुझे यही कहना है कि हमारा जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में लोकतांत्रिक तरीके से, हम इमरजेंसी को दोहराना नहीं चाहते, 76 को दोहराना नहीं चाहते हैं। जयराम रमेश जी 1966 में भारत सरकार ने जनसंख्या को कहा था एक्सप्लोसिव स्टेट कहा था। 1940 में ही जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा एक सब कमेटी का गठन किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से जो प्रयास चल रहा है उसके लिए मैं आशान्वित हूं। मुझे पूरा विश्वास है धर्म जाति क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे और इस देश को एक सुखमय राष्ट्र की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें रोहिंग्या का स्थान नहीं होगा, इस देश के लोगों का स्थान होगा, इस देश के लोग अपनी समृद्धि के साथ रहेंगे। धन्यवाद।